मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग करने से क्या मिलता है? न करें सत्संग, सत्संग में न जाएं, संतों के पास न जाएं, तो क्या हानि हो जाएगी? हम खेती करते हैं, अन्न मिलता है जिससे जीवन निर्वाह होता है। नौकरी करते हैं, रुपये मिलते हैं। व्यापार करते हैं, रुपये मिलते हैं। अन्य किसी प्रकार का काम करते हैं, रुपये मिलते हैं। जीवन का निर्वाह होता है, सेवा होती है। सत्संग से क्या मिलता है? क्या जरूरत है जीवन में सत्संग की? सत्संग से वह मिलता है जो खेती, नौकरी, व्यापार या किसी अन्य काम धंधे से नहीं मिलता। सत्संग से मिलता है सही जीवन जीने की कला। हमें यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर की विशेषता किस बात में है? इसकी सफलता किस बात में है? मनुष्य शरीर की विशेषता और सफलता है पूरे जीवन को सुख और आनंद पूर्वक जीना। जीवन पर्यंत मन में कोई क्लेश, कोई पीड़ा, कोई संताप, कोई अवसाद न रहने पाए। लेकिन क्या ऐसा है? मनुष्य को दुनिया का सिरमौर प्राणी कहा जाता है। साथ साथ बुद्धिजीवी प्राणी भी कहा जाता है। लेकिन जितना दुखी, जितना चिंतित और जितना भयभीत मनुष्य है, उतना दुखी, चिंतित और भयभीत दुनिया का कोई प्राणी नहीं है। क्यों दुखी है मनुष्य? खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, रहने को मकान नहीं मिल रहा है, या शरीर में कोई बीमारी है? यदि खाने को न मिलता हो, पहनने को कपड़े न मिलते हो, रहने को मकान न मिलता हो, और शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो और आदमी दुखी हो, तो बात समझ में आती है कि सचमुच में इसके दुख का कारण सही है। जब से जन्म लिया है तब से आदमी रोज खा रहा है। शरीर ढकने को पर्याप्त कपड़े हैं, रहने के लिए पक्का मकान नहीं तो कम से कम फूस की झोपड़ी है। शरीर निरोग है, फिर भी दुखी है आदमी। जानवरों को देखो, उनके पास खाने का क्या प्रबंध है? कुत्तों को देखो, कौन सा उनका व्यापार बट्टा है, कौन सी उनकी खेती है, नौकरी है?
कुछ भी तो नहीं। जीवन पर्यंत जानवर नंगे रहते हैं, कुछ पक्षी घोंसला बना लेते हैं, कुछ जानवर अपने लिए बीड़ खोद लेते हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे खुले में रहते हैं, लेकिन वे दुखी नहीं हैं, वे चिंतित नहीं हैं, वे भयभीत नहीं हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। कहीं आपने सुना कि अमुक गाय को, अमुक बैल, अमुक घोड़ा, अमुक गधा, अमुक कुत्ता, अमुक हाथी को डायबिटीज की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है या कैंसर है? कुछ नहीं है, निश्चिंत जीवन, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे निश्चिंत, फिर भी वे निश्चिंत, फिर भी वे निर्भय और मस्त होकर के जीवन जी रहे हैं। आदमी जो दुनिया का सिरमौर प्राणी है और बुद्धिजीवी प्राणी है, पूरा जीवन दुख से कराहता रहता है। हंसना तो आदमी जानता ही नहीं है। चूंकि आदमी रोते रोते पैदा होता है, दुनिया में और किसी भी प्राणी का बच्चा रोते रोते पैदा नहीं होता और जीवन में कभी रोता भी नहीं है। आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा होता है और जीवन पर्यंत रोता ही रहता है, शिकायतों में उलझा रहता है, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लड़का बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, बहू बात नहीं मानती, पड़ोसी गलत है, अमुक ने मेरा ऐसा अपमान कर दिया, अमुक ने मुझे गाली दे दी, कितनी शिकायत है आदमी के पास। और जो शिकायतों में उलझा रहेगा, दूसरों को देखता रहेगा, उसके पास रोने के अलावा और क्या होगा? यदि शिकायतों से ऊपर उठना है, रोने से बचना है, जीवन को सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक जीना है, तो दूसरों को देखना बंद करें, तृष्णा और इच्छाओं के पीछे न भागे, मेहनत करें, मेहनत से जी न चुराएं, जब जैसा अवसर हो, जिस काम को करने का संयोग हो, डट करके काम करें। आलसी आदमी को सदैव कमी बनी रहेगी, मेहनती आदमी को कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहां सर्वत्र काम चोरी दिखाई पड़ती है। पूजा बहुत करेंगे लोग, मंदिर में जाएंगे, घंटा, दो घंटा, तीन तीन घंटा पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे, वंदना करेंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, कहीं नमाज पढ़ेंगे, कहीं कुछ और करेंगे, लेकिन काम करने से जी चुराएंगे। काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति, ड्यूटी के प्रति ईमानदारी नहीं है, समर्पित भावना नहीं है। और चाहता है आदमी सब कुछ भरा पूरा रहे, किसी बात की कमी न रहे, ये कैसे हो सकता है? तो
तो जो आलसी होगा, कामचोर होगा, निकम्मा होगा, उसी तो दुख बना ही रहेगा। और जो दूसरों को देखता रहेगा उसका भी दुख दूर नहीं होगा। जिस क्षेत्र में हो, व्यवहार के क्षेत्र में, धर्म और परमार्थ के क्षेत्र में, सबको अपने अपने काम के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और ये समझिए कि जो काम आप कर रहे हैं वह काम ही भगवान की पूजा है। आज जगह जगह लिखा रहता है, ऑफिसों में लिखा रहता है, अन्य जगह स्टेशनों में अन्य जगह लिखा रहता है, वर्क इज वर्थी, कर्म ही पूजा है। सदगुरु कबीर ने तो आज से 550 साल पहले कहा था, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। मैं जहां जहां जाता हूं भगवान की परिक्रमा करता हूं, और जो कुछ कर रहा हूं भगवान की पूजा कर रहा हूं। अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को ऐसा निर्मल बनाए कि जो काम आप करें वह काम पूजा बन जाए। और जब पूजा हो जाए होगी तब उसके प्रति समर्पण होगा, और जिसके प्रति समर्पण होगा वह काम अच्छे ढंग से पूरा होगा। और काम जब अच्छे ढंग से पूरा होगा तो फल भी बढ़िया आएगा, फिर दुख नहीं होगा। तो जो कुछ करो तो पूजा, हल चलाएं पूजा समझकर, खेत बोड़े पूजा समझकर, भोजन बनाए पूजा समझकर, झाड़ू लगाए पूजा समझकर, बर्तन साफ करें पूजा समझकर, कपड़ा धोए पूजा समझकर, दफ्तर में काम करें पूजा समझकर, तो दुख कैसे होगा? न व्यवहार में उलझन आएगी, न परमार्थ में उलझन आएगी, सब मंगलमय होगा। तो आदमी शिकायतों में उलझा रहता है, दूसरों को देखता रहता है, गड़बड़ी यही होती है। सत्संग यही बताता है कि शिकायतों में उलझो मत, दूसरों को देखो मत, दूसरे को देख देख करके उनकी बुराइयों को याद कर करके अपने मन को खराब क्यों करते हो? अपने दोषों को देखें और अपने दोषों को देख देख कर उन्हें निकालें। मुझ में कौन कमी है, मुझ में कौन दोष है, इसकी निरख परख करें और अपने दोष कमी को निकालें, तो आपका जीवन सुंदर मूर्ति के समान पूजनीय हो जाएगा। एक अनगढ़ पत्थर कहीं पड़ा होता है, एक कलाकार मूर्तिकार उस पत्थर को देखता है, छिनी हथौड़ी की सहायता से पत्थर को छीलना शुरू करता है, और छीलते छीलते ऐसा छीलता है कि एक दिन वह पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, पत्थर मूर्ति बन जाता है, मूर्ति नहीं बन जाता, कहीं मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है और भगवान बन करके सड़क किनारे पड़ा हुआ पत्थर पूजा जाने लगता है। हमारा जीवन भी एक अनगढ़ पत्थर के समान है। वह अनगढ़ पत्थर के समान जीवन सुंदर मूर्ति कैसे बने? इस शरीर के भीतर से, इस जीवन से भगवत तत्व का उद्घाटन कैसे हो, देवत्व का उद्घाटन कैसे हो, इसकी कला सीखने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। जीवन तो सबको मिला है, पशुओं को भी जीवन मिला है, पक्षियों को, कृमि कीट को मिला है, मनुष्य को मिला है। जन्म लेना, बड़ा होना, पढ़ना लिखना, पेट भर लेना,
बच्चे पैदा कर लेना, उनका पालन पोषण कर लेना और रीज खींच करके मर जाना, क्या यही जीवन है? ऐसा तो पशु ही करते हैं, बल्कि कई मायनों में आदमी से ज्यादा अच्छा होते हैं पशु। पशु भी प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने के पश्चात अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन पशुओं को चिंता नहीं होती, पशुओं के मन में कोई गांठ नहीं होती। पशु आपस में वैसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। जब कुछ लोग आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं क्या पशुओं के समान जानवरों के समान लड़ रहे हो, आदमी जैसा लड़ता है ऐसा जानवर कहां लड़ता है? जानवर तो कुछ बस थोड़ा आया किसी के एक सींग मार दिया बस, लेकिन आदमी कितना लड़ता, जीवन भर गांठ बांध लेता शत्रुता की। कहीं जानवरों में अदालत आपने देखी है, कहीं जानवरों को कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, उनके मन में गांठ ही नहीं है। ये ठीक है कि जानवर को उत्थान नहीं हो सकता, लेकिन जानवरों का पतन भी नहीं होता। उत्थान और पतन दोनों आदमी का होता है, अपने को संभाला नहीं। भाई आप लोग चुप रहे, आदमी अपने को संभाला नहीं, पतन के रास्ते पर चला गया, शैतान बन गया। आदमी अपने को संभाल लिया, उत्थान के रास्ते पर चला गया, भगवान बन गया। आदमी से अलग न कहीं आपको शैतान मिलेगा, न कहीं आपको भगवान मिलेगा। शैतान और भगवान दोनों जो आकाश में माने गए हैं, आदमी की कल्पना है। मूल रूप में आदमी ही शैतान है और आदमी ही भगवान है। दिशा जैसी होती है दशा वैसी होती है। आदमी को तो मैंने कहा था कि आदमी दुनिया का सिरमौर और बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, लेकिन आदमी की हरकतों को देखकर, आदमी के कर्मों को देखकर जरा संदेह होता है, क्या सचमुच में आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है? बुद्धिजीवी का अर्थ होता है बुद्धिपूर्वक जीवन जीने वाला, और जो बुद्धिपूर्वक जीवन जिएगा, बुद्धिपूर्वक कर्म करेगा, उसका सब कुछ व्यवस्थित होगा, अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आज चारों तरफ अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार जो बढ़ा हुआ है, क्यों? इसीलिए कि आदमी ने बुद्धि का समुचित और संतुलित उपयोग करना छोड़ दिया है। बुद्धि का प्रयोग कर रहा है दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को शोषण करने के लिए, लूटने के लिए, दुख देने के लिए, गुमराह करने के लिए। ऐसी बुद्धि किस काम का? बुद्धिजीवी प्राणी तो है आदमी, लेकिन जरा सा सोचे तो क्या आप बता सकते हैं कि आदमी को छोड़कर दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके लिए हमें पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी है? आदमी को छोड़कर दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके लिए हमें फौज की व्यवस्था करनी पड़ी है? और आदमी को छोड़कर दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके लिए हमें दंड, जेल और न्यायालय की व्यवस्था करनी पड़ी है? किसी भी प्राणी के लिए दुनिया में पुलिस, फौज, न्यायालय, दंड, जेल की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आदमी ही ऐसा अभागा प्राणी है जिसको व्यवस्थित करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और यदि ये व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि आदमी ने बुद्धिपूर्वक जीवन जीना छोड़ दिया है, बुद्धि का समुचित उपयोग करना छोड़ दिया है। सत्संग हमें यही बताता है कि बुद्धि का कैसे प्रयोग करना चाहिए। जो शक्ति प्राप्त हुई है उसे आत्मकल्याण के लिए और समाज सेवा के लिए कैसे नियोजित करना चाहिए, उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। हमें जो शक्ति प्राप्त हुई है
उसका हम सही ढंग से नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से प्रयोग नहीं करना पा रहे हैं, इसलिए ही तो जीवन में समस्याएं आई है। चारों तरफ लोग कहते हैं बड़ा जमाना खराब आ गया है, जमाना खराब आ गया है। ये जमाना क्या चीज है, कहां से खराब जमाना आ गया? जमाना कभी खराब नहीं होता, जमाना तो जैसा होता है वैसा ही होता है। आदमी खराब होता है तो जमाना खराब होता है, आदमी यदि अच्छा होता है जमाना अच्छा होता है। इसलिए सुधारना जमाने को नहीं है, सुधारना स्वयं को है। यद्यपि दुनिया में हर आदमी अपने को सुधरा हुआ ही महसूस करता है, अपने को सुधरा हुआ ही मानता है, किसी से पूछो कि आप सुधरे हुए हैं कि बिगड़े हुए हैं, आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, आप बुद्धिमान हैं कि बुद्धिहीन हैं, शायद ही कोई यह कहे कि मैं बिगड़ा हुआ हूं, मैं अज्ञानी हूं और मैं बुद्धिहीन हूं। हर आदमी का उत्तर यही होगा कि मैं सुधरा हुआ हूं, मैं ज्ञानी हूं और मैं बुद्धिमान हूं। प्रश्न यह है, आप सुधरे हुए हैं, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, तो आपके कर्म अव्यवस्थित क्यों हैं? आपके जीवन में दुख क्यों है? ज्ञानी और बुद्धिमान का लक्षण है जीवन से दुख खत्म हो जाना, ज्ञानी और बुद्धिमान का लक्षण है मन का संयमित निर्मल और सुबक हो जाना, ज्ञानी और बुद्धिमान का लक्षण है ऐसे कर्म होना जिससे दूसरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? दूसरे को न देखें, दूसरे को देखते देखते तो जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है, अपने को देखें। जो अपने को देखता है वही तो साधक है, जो दूसरे को देखता है वो तो बाधक है। दूसरे को केवल राय दी जा सकती है बस, उसका जबरदस्ती सुधार नहीं किया जा सकता, सुधार केवल अपना किया जा सकता है। हम स्वयं सुधरें और जो हमारी बात सुनना चाहे उसे राय दें, यही नहीं हो पा रहा है। भगवान और भगवती की पूजा तो इतनी ज्यादा है इस देश में, गली गली में मंदिर, गली गली में भगवान, गली गली में देवता, जिधर देखो उधर ही भगवान की महिमा गाई जा रही है। आदमी से अधिक संख्या भगवानों की हो गई है इस देश में, लेकिन इस देश की स्थिति क्या है, हमारे जीवन की स्थिति क्या है, इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान की महिमा गाने की जरूरत नहीं है, भगवान का कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, भगवान का गुणानुवाद गाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जीवन को निर्मल बनाने की, जरूरत है कर्म को सुधारने की, जरूरत है सुंदर आचरण करने की, और अपना सुधार, जीवन की निर्मलता, यही तो भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? पूजा कर रहे हैं सुबह शाम घंटों घंटा और अभी भी गाली देने की आदत छूटी नहीं है, झूठ बोलने की आदत छूटी नहीं है, लड़ने झगड़ने की आदत छूटी नहीं है, कपट करने की आदत छूटी नहीं है, तो ये कौन सी पूजा हो रही है? कम से कम जो भक्त हैं, जो सत्संगी हैं, जो पुजारी हैं, जो धार्मिक हैं, उनकी जबान से तो गाली नहीं निकलनी चाहिए। पूजा करते करते जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है, बीड़ी तंबाकू दुर्व्यसन का त्याग नहीं हुआ, कौन सी पूजा हो रही है? छोटे छोटे दोष दुर्गुण हैं, यदि ये नहीं छूट पा रहे हैं तो बड़े दोष बड़ी बुराइयों का त्याग कैसे हो पाएगा? इसलिए स्वयं झांके अपनी तरफ,
देखे अपने जीवन को, जीवन को निर्मल बनाए, ऐसा निर्मल बनाए कि हमारा जीवन मूर्ति के समान पूजनीय हो जाए। अरे जीवन की निर्मलता यही तो ईश्वर की पूजा है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रागा देतम हृदयम वाक दुष्टा नृता देवी हिंसा विरहिता कायस एतद ईश्वर पूजनम। रागा देतम हृदयम, राग द्वेष आदि से हृदय मन रहित हो, वाक दुष्टानृत आदि भी गाली निंदा झूठ से वाणी रहित हो, चोरी हिंसा व्यभिचार से शरीर रहित हो, अर्थात मन वाणी कर्मों की निर्मलता, एतद ईश्वर पूजनम, यही ईश्वर की पूजा है। और इस ईश्वर को की पूजा को कोई नकार नहीं सकता। हिंदू कभी मस्जिद में या गिरजा में नहीं जाएंगे पूजा करने के लिए, मुसलमान कभी मंदिर में नहीं जाएगा, ईसाई कभी गिरजा ईसाई कभी मस्जिद में नहीं जाएगा, और जो सिख हैं वे मस्जिद में गिरजा में मंदिर में नहीं जाएंगे। बाहरी पूजा में अंतर है, हिंदुओं में ही कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई हनुमान की, कोई गणेश की पूजा करता है, कोई काली की पूजा करता है। बाहरी पूजा में तो विभिन्नता है, और इस विभिन्नता को मिटाया नहीं जा सकता, विभिन्नता रहेगी सब समय, सदैव रही है, सदैव रहेगी। लेकिन वह एक पूजा जो सबके लिए समान रूप से अनुकरणीय है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, वह है मनवाणी कर्मों की निर्मलता। कौन ऐसा दुनिया में है जो ये कहेगा कि जीवन को गंदा बनाकर रखना चाहिए? जो चोर है वह भी यही कहेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए। जो व्यभिचारी वह भी यही कहता है व्यभिचार करना गलत है। एक शराबी यही चाहता है कि मेरा बेटा शराबी न बने। क्या गलत है क्या सही है कौन नहीं जानता है। तो मनवाणी कर्मों की निर्मलता, यही सच्ची ईश्वर पूजा है और सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है। और यह मानव मात्र के लिए उपयोगी ही नहीं, अत्यंत आवश्यकता है। और इसी के अभाव में ही तो हमारा जीवन दुखी बना हुआ है, इसी के अभाव में ही तो हमारी जीवन में और बाहरी संसार में तमाम प्रकार की समस्याएं आई हुई हैं। यदि अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त करना है, समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित करना है, समाज को भी समस्या मुक्त करना है, और इसी जीवन में स्वर्ग का और मोक्ष का अनुभव करना है, तो अपने जीवन को परिमार्जित करना पड़ेगा। जीवन को निर्मल बनाना पड़ेगा। मोक्ष और भगवान और स्वर्ग कहीं बाहर मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे, एक धोखा है। और इस धोखा में जीवन बीतता चला जा रहा है, पुकारते जा रहे हैं भगवान को, लेकिन जीवन के आचरण पर किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं। बड़े बड़े मंचों से लाखों की भीड़ के बीच में महात्मा गुरु पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी सब भगवान की महिमा गा रहे हैं, लेकिन इसकी सीख कितने लोग दे रहे हैं कि जीवन को सुधारना चाहिए। महिमा गाते गाते तो बहुत समय चला गया, अब महिमा गाना बंद करें, अपने कर्तव्य के तरफ, अपने आचरण की तरफ, जीवन सुधार की तरफ ध्यान देना होगा। और जब तक इधर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस पर अमल नहीं किया जाएगा, महिमा गाते रहो, जीवन दुखी का दुखी बना रहेगा, समाज स्थिति जैसी की तैसी ही बनी रह जाएगी। इसलिए अपने जीवन को देखें। मैंने शुरू किया था कि सत्संग की जीवन में क्या जरूरत है, क्यों सत्संग हम करें। सत्संग की आवश्यकता इसलिए है, जो कुछ हमें प्राप्त है, शरीर, जीवन,
तन मन धन विद्या बुद्धि सातवां स्वामित्व इन सब का सही उपयोग कैसे हो और सुखपूर्वक जीवन को हम कैसे जिए। अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं और उन सभी कलाओं का अपने अपने क्षेत्र में उपयोग है और महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला के अभाव में ही आदमी पीड़ित है। सत्संग में जीवन जीने की कला बताई जाती है। जीवन जीने की कला का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत धन कमा लिया, बड़ी नौकरी मिल गई, बड़ा व्यापार हो गया, बड़ा मकान बना लिया, बड़ी प्रसिद्धि आपकी हो गई, बड़ा मठ बना लिए बाबा लोग और बहुत से चेला बना लिए। जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन जीने की कला है ज्यो ज्यो जीवन बीतता जाए क्यों क्यों मन निश्चिंत निर्भय निर्ग्रंथ और निर्मल होता चला जाए, दुख घटता जाए सुख बढ़ता जाए, क्लेश घटता जाए आनंद बढ़ता जाए, बंधन घटते जाए निर्बंधता बढ़ती चली जाए। और यह काम मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका पतन भी नहीं होगा, उत्थान भी नहीं होना है। इसलिए हमें इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।